मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने कहा कि आधुनिक कृषि तकनीकी अपनाकर कृषक अपने उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाएं। खाद बीज की कोई कमी नहीं है। वितरण व्यवस्था गुणवत्ता युक्त एवं समयबद्ध ढंग से पूरी पारदर्शिता के साथ किए जाएं ताकि किसानों को किसी तरह की असुविधा ना होने पाए। मंडलायुक्त ने उक्त निर्देश एनेक्सी भवन सभागार में आयोजित आजमगढ़, बस्ती एवं गोरखपुर की मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए दिए। इस अवसर पर उन्होंने 6 प्रगतिशील कृषकों को प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत सम्मानित किया तथा गोष्ठी में उपस्थित प्रगतिशील कृषकों की समस्याओं को सुना तथा संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देश दिए। उन्होंने किसानों से कहा कि समय से धान की बुआई करें ताकि उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सके। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए विभागीय स्टालों का मंडलायुक्त सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विधिवत अवलोकन किया गया। गोष्ठी में मंडलायुक्त ने कहा कि गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य नई तकनीक के बारे में जानकारी देना तथा कृषकों की समस्याओं, सुविधाओं आदि के विषय में जानकारी प्राप्त कर उसका निदान करना है। गोष्ठी में उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाने पर विचार किया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारा देश प्रदेश कृषि प्रधान है और कृषकों का हित शासन की प्राथमिकता है और इनके हितार्थ अनेक कल्याणकारी योजनाएं शासन द्वारा की गई हैं। उन्होंने सिंचाई विभाग को निर्देश दिए कि नहरों में टेल तक पानी पहुंचने चाहिए तथा सभी नलकूप सही हालत में हो। इस अवसर पर मंडलायुक्त आजमगढ़, जिलाधिकारी गोरखपुर कृष्ण करुणे सहित अन्य संबंधित जनपदों के जिलाधिकारीगण, मुख्य विकास अधिकारीगण के अतिरिक्त प्रदेश के कृषि निदेशक, सांख्यिकी अपर कृषि निदेशक, कृषि रक्षा अपर कृषि निदेशक सामान्य, निदेशक कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। संयुक्त कृषि निदेशक डॉक्टर हरेंद्र उपाध्याय ने उपस्थित सभी अतिथियों के प्रति आभार ज्ञापित किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश ने कहा, क्रेडिट कार्ड की आपकी
गोष्ठी का उद्देश्य यही था कि हम लोग जनपद में कैसे उत्पादन बढ़ाएं, उत्पादकता बढ़ाएं और कृषि आय बढ़ाएं, तो उसी का टेक्निकल सेशंस वहाँ पे रखा गया था और काफ़ी किसान ने कुछ समस्या भी बताया, मतलब जो उनको लोकल लेवल पे या पॉलिसी के संबंध में हो रहा है वो सभी हम लोगों ने नोट भी कर लिया है। जो हमारे तरफ से ठीक करने लायक होगा वो हम करा लेंगे, जो शासन से संदर्भित होगा हम लोग उनसे कराएंगे और हम लोग यही प्रयास रखेंगे कि जनपद का इस खरीफ सीजन में उत्पादकता बढ़े। सर, किसानों को सम्मानित भी किया गया है? 6 किसान को सम्मानित किया गया है और भी अन्य योजनाओं में, जैसे हॉर्टिकल्चर में, बनाना कल्टीवेशन में, जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनको भी सम्मानित किया गया है।